नमस्कार बच्चों, मैं नीलू महिक्वार शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला महमरा जिला दुर्ग से। आज हम छत्तीसगढ़ भारती कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 15 सरलता और सहृदयता में देखेंगे हम कि किस तरह से एक व्यक्ति के द्वारा अपने जीने की जो जीवन शैली है उसको हम इस पाठ में देखेंगे। सरलता और सहृदयता, जिसे कि श्री एस के दत्त के द्वारा सृजित किया गया है। इंसान महान सिर्फ अपने डिग्रियों और ऊंचे ऊंचे पदों से ही नहीं होता है, अपितु वह अपनी जिंदगी के सादगी पूर्ण जीवन से, सरलता से और सहृदयता से बनता है। इस कहानी में हम देखेंगे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर आसीन होते हुए भी अपने जो जीवन के मानवीय मूल्यों को हमेशा उन्होंने ऊपर रखा। तो घर के एक साधारण नौकर के प्रति उनका अपनत्व भरे व्यवहार को दर्शाती यह जो कहानी है वो हम सभी के हृदय में संवेगों का संचार करती है। तो आइए इसे हम आगे देखते हैं। सरलता और सहृदयता। वह नौकर बचपन से ही उनके घर काम करता आ रहा था। अब वह बूढ़ा हो गया था। उसके घर के बच्चों को अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। बच्चों, आपने भी अपने घर में या आसपास देखा होगा कहीं पर कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्रारंभ से ही उस एक ही घर में वह नौकर की तरह कार्य करते हैं और वह आगे चलकर एक हमारे परिवार के सदस्य की तरह ही हमें लगने लगते हैं। लेकिन अभी इस कहानी में आपने देखा कि लिखा हुआ था कि अब वह बूढ़ा हो गया था, तो समय के बीतने के साथ साथ वह जो है उसकी उम्र जो है वह बढ़ती जा रही थी, इस कारण वह बूढ़ा हो चुका था। और वह जो नौकर था वह वहाँ के बच्चों को उन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, जो कि अभी सब क्या हो चुके हैं, जो बच्चे थे वह बड़े हो गए हैं और वे जो बच्चे हैं वे ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गए हैं। पर इस बूढ़े काका के प्रति सबके मन में जो स्नेह और सम्मान की भावना है वो कभी भी कम नहीं हुई थी। सभी उन्हें अपने परिवार का एक अहम सदस्य ही समझते थे। परिवार वाले चाहते थे कि बूढ़े काका जो है अब कामकाज करना बंद कर दें। तो बच्चों, आप बता सकते हैं कि परिवार वाले क्यों चाहते थे कि बूढ़े काका अपना कामकाज बंद कर दें? अब बताइए, सोचिए। अच्छा, बहुत बढ़िया, क्योंकि परिवार वाले चाहते थे कि अब जो काका है वो थोड़े क्या हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, है ना, उनकी उम्र जो है बहुत अधिक हो गई थी। इसलिए सब चाहते थे कि वह जो है अपना शेष जीवन जो है आराम से वह यहाँ पर गुजारे। पर ये थे कि मानते ही नहीं थे और हमेशा, है ना, घर की सफाई में, झाड़ू पोछा करने में तथा जो भी वहाँ पे कमरे हैं उसकी देखभाल खुद स्वयं से ही किया करते थे। एक दिन ये बूढ़े काका अपने बाबू के पढ़ने के कमरे की सफाई कर रहे थे। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं जो काम करने वाले नौकर चाकर होते हैं उनका काम ही यही होता है कि वो पूरे घर की साफ सफाई करें। अब यहाँ पर बच्चों एक बाबू शब्द आया है, तो इसे कहानी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो अंत में आपको पता चल जाएगा कि बाबू यहाँ पर कौन है। तो एक दिन जो है बूढ़े काका बाबू के पढ़ने की कमरे की सफाई कर रहे थे, लेकिन अपने बाबू के एक एक सामान को वह उठाते थे, उसमें जो भी धूल लगा हुआ है उसको एकदम आराम से पोंछते और उसे यथास्थान जहाँ पर वह सामान रखा है वहीं पर ही वह रखते थे। ये सारी चीज़ें उसके आदत में शामिल था। लेकिन अचानक एक दिन कैसे एक बहुत ही कीमती कलमदान उनके हाथ से छूट गया। और वह कोई साधारण कलमदान नहीं था बच्चों, वह तो कैसा था, एक उत्कृष्ट नमूना था कारीगरी का। हम देखते हैं ना बच्चों, कभी किसी मेले में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छे कुछ चीज़ें होती है जो बहुत ही अच्छे कारीगरी से उसमें बना होता है, उसका जो डिज़ाइन है और वह हमें बहुत ही पसंद आता है और उसे हम खरीदते भी हैं और अपने घर में हम सजा कर रखते हैं। लेकिन किसी की गलती से जब कोई चीज़ ऐसे टूट जाता है और वो हमें बहुत ही अति प्रिय होता है, तब क्या होता है, हम सामने वाले के ऊपर अपना क्रोध गुस्सा निकालते हैं। तो वह जो कलमदान था वह क्या था, बहुत ही कीमती था और वह दुर्लभ भी था, उसके समान कोई और दूसरा वहां पर नहीं था। बच्चों, यहाँ पर कलमदान किसे कह रहे हैं हम? कलमदान जो है कलम रखने का एक पात्र है। अब जो है बूढ़े काका टूटे हुए कलमदान को एकटक देखते रहे। क्यों एकटक देखते रहे बच्चों उस कलमदान को?
क्योंकि अब वह घबरा गए कि कैसे अचानक से जो है इतना कीमती और दुर्लभ जो कलमदान था, जिसे कि बाबू ने बहुत ही प्यार से उसको रखा था, वह टूट गया। अब उनको घबराहट होने लगी, अब उनको सूझ ही नहीं रहा था कि अब क्या करें। तो बच्चों आप बताइए, जब आपसे ऐसे कोई सामान गलती से टूट जाता है तब आप क्या करते हैं, बताइए क्या करते हैं आप? अच्छा, हिमानी कह रही है कि वह उसे चुपचाप जोड़ देते हैं और चुपचाप उसी जगह पर रख कर आ जाते हैं। चलिए, ये भी आपका बहुत अच्छा है। अब वह जो टूटा हुआ कलमदान था उसको उन्होंने उठाकर कहाँ रख दिया, फिर से उसी मेज पर रख दिया और वह बहुत ही घबरा गए। अब उसके अंदर एक डर समा गया कि बाबू आएंगे तो उनसे क्या कहेंगे। जैसा आप भी कोई गलती करते हैं तो डरते रहते हैं ना कि आपके माता पिता या बड़े भाई बहन आएंगे, पूछेंगे तो आप उनसे क्या कहेंगे। तो इसी तरह जो बूढ़े काका है वो भी अब सोचने लगे कि अब क्या होगा, अब जब मुझसे वो पूछेंगे तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा। ऐसा जो कीमती कलमदान तो अब दोबारा उनको मिलेगा नहीं, बाबू को बहुत दुख तकलीफ भी होगा, पीड़ा होगी। अब उनका उसके बारे में सोच सोच करके उनका दिल है वह बैठा जा रहा था। अब कैसे करे क्या करे, उनको कुछ भी यहाँ पर सूझ ही नहीं रहा था। अब जब शाम हुआ और जब बाबू आए और भोजन करने के पश्चात वह अपने कमरे में अपना जो प्रतिदिन का रोज का दैनिक कामकाज है उसको निपटाने के लिए जब गए, और जैसे ही कमरे में पहुंचे ही थे कि उनकी नज़र कहाँ पर पड़ी, टूटे हुए कलमदान पर पड़ी। तो बच्चों बताइए अब उसके बाद क्या हुआ होगा, बाबू ने क्या किया होगा, क्या मुस्कुराया होगा या उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया होगा या उन्होंने बूढ़े काकों को बहुत डांटा होगा, क्या किया होगा बच्चों बताइए, सोचिए क्या हो सकता है आगे। अच्छा, बहुत बढ़िया, चलिए देखते हैं कि आप सभी ने जो कहा है क्या वही हुआ इस आगे इस कहानी में। तो वे इतने कीमती कलमदान को टूटा हुआ देखकर बहुत दुखी हुए और उन्होंने उसे उठाया तो देखा कि उसके दो टुकड़े हो चुके थे। उन्होंने बूढ़े काका को आवाज़ दी, काका काका। जैसा कि आप सभी जानते हैं ना, जब हमसे किसी बच्चों से घर में कोई गलती हो जाती है तब हमारे जो माता पिता हैं या बड़े भाई बहन हैं वो हमें जोर जोर से क्रोध में चिल्लाने लगते हैं, उसी तरह से ही बाबू ने काका को आवाज़ लगाया। अब जो है बूढ़े काका डरते हुए वहाँ पर अंदर आए। अब उससे पूछा गया कि यह कलमदान किसने तोड़ा है, तब बूढ़े काका ने क्या कहा कि मुझसे टूट गया। ठीक है, अब उसके बाद उसने बताया कि मैं सफाई कर रहा था और अचानक मेरे हाथ से छूट गया। तब बूढ़े काका जो है डरते डरते उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि कैसे वह सफाई कर रहे थे और अचानक उसके हाथ से यह कलमदान छूट गया। तब यहाँ पर बाबू ने क्या कहा कि यह कितना कीमती कलमदान है, क्या तुम जानते हो, ऐसा दूसरा कलमदान कहाँ मिलेगा। अब उनकी इस बात को सुनकर जो है बूढ़े काका सिर झुकाए वहीं पर खड़े रहे और चुपचाप उसकी बात सुनते रहे। अब आगे क्या हुआ होगा बच्चों, ऐसा बोलने के बाद बूढ़े काका क्या घर छोड़कर चल दिए होंगे, क्या हुआ होगा कि बूढ़े काका ने सबसे माफ़ी मांगी होगी हाथ जोड़कर, बताइए। अच्छा, देव को लग रहा है कि बूढ़े काका चुपचाप घर छोड़कर चले गए होंगे। अच्छा बच्चों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बूढ़े काका चुपचाप घर छोड़कर चले जाएंगे, वो तो बचपन से उनको उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, उनकी देखभाल किया है उन्होंने, पूरे घर की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। चलिए, आप जो कह रहे हैं वो आगे कहानी में हम देखते हैं। अब जो है बाबू है उन्होंने बूढ़े काका से क्या कहा कि अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से। उन्होंने इस तरह से उसे जोर से चिल्लाया और आगे और कहा, क्या कहा कि हाँ, कल से मेरे पढ़ने के कमरे की सफाई मत करना। बच्चों, ऐसा हम अपने घर में या आसपास भी देखते हैं, देखता है ऐसा हमारे घर वाले, जब हमसे कोई गलती हो जाती है तब बोलते हैं ना, कल से यहाँ पर मेरा सामान मत छूना, मेरे टेबल की कोई भी सामान तुम लेना नहीं या इस कमरे में मत आना, ऐसा बोलते हैं। तब हमें भी वहाँ पर क्या लगता है, बुरा लगता है। चलिए आगे देखते हैं। आप जो बूढ़े काका हैं वह डांट खाकर सिर नीचे किए हुए चुपचाप वहाँ से चल देते हैं और उसकी आंखों में आंसुओं की अश्रुधारा बहने लगती है। इससे पहले जो बूढ़े काका हैं उन्होंने उसको जो है बाबू ने कभी भी इतना डांटा नहीं था जितनी डांट आज उसने खाई थी। अब जो है रात हो गई थी, अब बाबू अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोने की
कोशिश कर रहे थे, पर न जाने क्यों आज जो है बाबू को नींद ही नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही होगी बच्चों, बताइए कि बाबू को नींद क्यों नहीं आ रही थी आज, बताइए। क्योंकि उसका, अच्छा यहाँ पर लोनिमा कह रही है कि उसका कीमती कलमदान टूट गया था, इसलिए उसका मन जो है अशांत हो गया था। और कोई बच्चे बता सकते हैं कि बाबू को नींद क्यों नहीं आ रही थी रात में? चलिए देखते हैं। आप वे रह रहकर जो है अपने कलमदान, बूढ़े काका और उनके प्रति अपने व्यवहार के बारे में वो बार बार सोच रहे थे, है ना। अब वो एकदम अधीर हो गए, व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए। क्यों बेचैन हो गए? उनको लग रहा था कि मैंने बूढ़े काका को कैसे डांट दिया, है ना। इस तरह से वो सोच सोच कर उनको नींद नहीं आ रही थी। अब वो सोचते रहे सोचते रहे, और ये भी सोच रहे थे कि बचपन से ही जो काका है उन्होंने हमारे यहाँ काम कर रहे थे, हम सभी की सेवा की है, उन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, हमारा सारा कार्य उन्होंने ईमानदारी से किया है ना, इस तरह से। और जब मेरा जो व्यवहार है उनके प्रति बहुत ही कठोर था, जो कि उचित नहीं था। अब इस तरह से वो सोचने लगे, उनको आत्मग्लानि होने लगी, है ना, अपनी गलती का एहसास उसे होने लगा। और ये भी सोचने लगे कि क्या कलमदान एक व्यक्ति के सम्मान से अधिक कीमती है। अब उसके मन में बहुत सारे विचार आने लगे, अगर गलती से उनसे यह कीमती जो कलमदान है वह टूट भी गया तो क्या हुआ, है ना। ऐसा भी हो सकता था कि वह मेरे हाथों से छूटकर भी टूट सकता था। अब इस तरह के प्रश्न उसके दिमाग में चलने लगा। अब आगे जो है बाबू फिर से सोच रहे हैं कि कितनी उन्होंने हमारे पूरे परिवार की हमेशा उन्होंने ईमानदारी से सेवा की है, और उन्होंने आज तक कभी भी शिकायत का कोई भी मौका हमें नहीं दिया है। पर मैंने आज क्या किया, उस पर बहुत क्रोध किया, उसे डांटा, और इस तरह से मैंने क्या किया, बूढ़े काका की जो उनकी ज़िंदगी भर की जो हमारे परिवार के प्रति उन्होंने ईमानदारी से जो सेवा किया था उस पर मैंने क्या कर दिया, पानी फेर दिया। इस तरह से वह सोचने लगे। तो इस तरह के अनेक जो प्रश्न हैं, सवाल हैं, वो बाबू के मन में बार बार रह रहकर उठ रहा था, और उनका मन जो है बहुत ही बेचैन हो रहा था। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है बहुत रात हो चुकी थी। अब बाबू ने बूढ़े काका को आवाज़ दी, है ना। अब बूढ़े काका भी सो नहीं रहे थे। क्यों नहीं सो पा रहे थे? उनकी भी नींद उड़ गई थी, है ना, कि इतने दिनों से जब वो यहाँ काम कर रहे हैं, आज तक जो है बाबू ने उन्हें इस तरह से कभी भी नहीं डांटा था, इसलिए उसको भी नींद नहीं आ रही थी। अब वे भी अपनी गलती को याद करके आंसू बहा रहे थे, लेकिन अचानक बाबू की आवाज़ सुनकर उन्होंने आंसुओं को जल्दी जल्दी पोंछा, और वो डरते डरते बाबू के कमरे की ओर जाने लगे। तो बच्चों, जब बूढ़े काका बाबू के कमरे की ओर जाने लगे तो उसके बाद क्या हुआ होगा? जाने के बाद क्या फिर से बाबू ने काका को डांटा होगा क्या, बताइए? डांटा होगा क्या? अच्छा, आयुष कह रहा है कि नहीं, उसने नहीं डांटा होगा, और उन्होंने कहा होगा कि कोई बात नहीं, हो सकता है कि यह मेरे हाथ से भी टूट सकता था। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे कहानी में। अब काका की जो है घबराहट और बढ़ गई, बहुत तेज हो गई, उनके दिल की धड़कन भी बढ़ गई। अब वे सोचने लगे कि शायद बाबू का गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ है। अब काका जो है उनके सामने जाकर सिर नीचे करके एक अपराधी की तरह खड़े हो गए, है ना, और कहने लगे। उसके बाद जो है बाबू कह रहे हैं कि काका मुझे माफ कर दो, मैं अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हूँ। अचानक क्या हो गया, बाबू के मुंह से यह निकला। अब घबराहट का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर व्याकुलता, ठीक है। जब उनको बुलाया गया काका को, तो क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए थे, घबरा गए थे। अब बूढ़े काका उनके मुंह की ओर देखता ही रह गया, है ना। क्यों देखते रह गए? क्योंकि बाबू जो है बूढ़े काका से क्या कर रहे थे, माफ़ी मांग रहे थे। अब इतना बड़ा आदमी एक छोटे से नौकर से माफ़ी मांग रहा है, वह बाबू के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने को झुका ही था, है ना, कि बाबू ने उसे बीच में ही रोक दिया। क्यों रोक दिया होगा बच्चों, बताइए? बाबू ने क्यों रोक दिया होगा बूढ़े काका को, जब वह उसका पैर छूकर गिरकर माफ़ी मांगने के लिए आगे बढ़े तो क्यों रोक दिया होगा? क्योंकि जो बूढ़े काका हैं वो उस परिवार के एक सदस्य के रूप में ही थे, सभी लोग उसका बहुत ही मान सम्मान करते थे। बहुत बढ़िया उत्तर दिया यहाँ पर लोमस ने। चलिए आगे देखते हैं। काका, क्या आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे,
है ना। इस तरह से आप बाबू ने क्या कहा कि काका क्या आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे, बाबू आप ये क्या कह रहे हैं, मुझसे जो भूल हुई है मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, फिर कहाँ आप और कहाँ मैं। तो इस तरह से बूढ़े काका ने क्या कहा कि मुझसे जो भूल हुई है, गलती हो गई है, उसके लिए तो मैं शर्मिंदा हूँ, आप कहाँ और मैं कहाँ का मतलब क्या है, वो क्या कह रहे हैं कि आप कहाँ उच्च पद पर आसीन है और मैं कहाँ एक छोटा सा नौकर, है ना। तो आप में और मुझ में तो तुलना बिल्कुल हो ही नहीं सकती है, और मेरे से जो भूल हुई है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। तो शर्मिंदा का अर्थ क्या है बच्चों यहाँ पर, लज्जित। आगे चलते हैं। अब बाबू जो बोलते हैं कि जब तक आप मेरे सर पर हाथ रखकर नहीं कहेंगे कि आपने मुझे क्षमा कर दिया है, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। अब इस तरह से बाबू जो है बूढ़े काका से क्या कह रहे हैं कि जब तक आप मेरे सर पर हाथ नहीं रखेंगे मुझे क्या ये नहीं होगा कि आपने मुझे माफ कर दिया है और मुझे चैन भी नहीं पड़ेगा। तो बूढ़े काका की इस बात को सुनकर जो है बूढ़े काका की आंखों में क्या आ गया, आंसुओं की झड़ी लगे, उसके आंसू जो है बहने लग गए, और उन्हें बाबू के सिर पर हाथ रखकर अंत में कहना ही पड़ा कि अच्छा चलो मैंने अपने बाबू को क्षमा कर दिया। तो यहाँ पर बच्चों ऐसा लग रहा था कि एक पिता जो है अपने बेटे के ऊपर हाथ रखकर उसे क्या कर रहे हैं, उसकी गलतियों के लिए उसे माफ कर रहे हैं, क्षमादान कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों अब हम बोध प्रश्न की ओर चलते हैं। इस कहानी में हमने जो है बाबू और बूढ़े काका के बारे में जाना। तो बच्चों क्या आप जानते हैं कि जो बाबू हैं वो कौन थे, बताइए कौन थे। जी हाँ बच्चों, ये जो बाबू हैं वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि हमारे देश के स्वतंत्र भारत के क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम बोध प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों कि राजेंद्र बाबू का मन अशांत क्यों था, बताइए बच्चों राजेंद्र बाबू का मन अशांत क्यों था। अच्छा बहुत बढ़िया, तो राजेंद्र बाबू का मन अशांत इसलिए था क्योंकि उन्होंने बूढ़े काका को क्या कर दिया था, डांट दिया था, इसलिए उनका जो मन है बहुत अशांत हो गया था। दूसरा प्रश्न है कीमती कलमदान कैसे टूटा, बताइए बच्चों वो जो कीमती कलमदान था वो कैसे टूट गया था। चलो एवन कुमार आप बताओ कि कीमती कलमदान कैसे टूटा। चलिए बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने। तो जो कीमती कलमदान है वह सफाई करते समय बूढ़े काका के हाथ से गलती से छूट गया था, इस प्रकार जो है कीमती कलमदान टूट गया था। अगला प्रश्न है बूढ़े काका ने बाबू के सिर पर हाथ रखकर क्या कहा, बताइए बच्चों। ये अंत में हमने पढ़ा था, आपको बताया भी था कि बूढ़े काका ने बाबू के सिर पर हाथ रखकर क्या कहा। बूढ़े काका ने बाबू के सिर पर हाथ रखकर कहा अच्छा चलो मैंने अपने बाबू को क्षमा कर दिया। तो बच्चों इस तरह से आपकी पाठ्य पुस्तक इस पाठ के अंत में और भी इसके अलावा और भी प्रश्न है, उसे आप स्वयं से अपने शब्दों में लिखिएगा। आइए अब हम चलते हैं व्याकरण की तरफ। तो इस पाठ में विशेषण और विशेष से संबंधित व्याकरण जो है उसे हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम जान लेते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। और अब इसके बाद हम जान लेते हैं विशेष, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। आइए बच्चों इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आइए बच्चों कुछ उदाहरण के द्वारा विशेषण और विशेष्य को समझते हैं। साधारण कलमदान, तो कलमदान कैसा था, साधारण, इसलिए जो साधारण है वह क्या होगा, विशेषण होगा, और कलमदान क्या होगा, विशेष्य होगा, क्योंकि जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह शब्द क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। इसलिए कलमदान जो है क्या होगा, यहाँ पर विशेष्य होगा, और जो साधारण शब्द है विशेषण होगा। इसी तरह से बूढ़े काका, काका कैसे थे, बूढ़े थे, तो काका की विशेषता क्या है यहाँ पर, बूढ़े, इसलिए जो बूढ़े शब्द है वह क्या होगा, विशेषण होगा, और काका शब्द विशेष्य होगा। आगे देखते हैं उत्कृष्ट नमूना, नमूना कैसा था, उत्कृष्ट था, तो नमूना की विशेषता हम क्या बता रहे हैं, उत्कृष्ट, तो यहाँ पर जो उत्कृष्ट शब्द है वह क्या होगा, विशेषण होगा, और नमूना जो शब्द है वह विशेष्य होगा। समझ में आया बच्चों, तो आगे का आप लोग बताइएगा। दैनिक कामकाज,
कामकाज कैसा था बताओ लोनिमा, कैसा था कामकाज? बहुत बढ़िया। दैनिक, तो दैनिक कौन सा शब्द हुआ? विशेषण की विशेष्य, विशेषण। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर कामकाज क्या होगा? विशेष्य होगा, क्योंकि उस शब्द की विशेषता बताई जा रही। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य। आगे चलते हैं। प्रथम राष्ट्रपति, राष्ट्रपति प्रथम है ना, तो राष्ट्रपति कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? प्रथम है ना, हम ये बता रहे हैं राष्ट्रपति की विशेषता क्या बता रहे हैं हम? प्रथम। इसलिए यहाँ पर जो प्रथम शब्द है वह क्या होगा? विशेषण होगा, और राष्ट्रपति जो शब्द है विशेष्य होगा। इसी प्रकार से अगला देखते हैं। कठोर व्यवहार, व्यवहार कैसा था? कैसा था? बिल्कुल बढ़िया, कठोर था। तो व्यवहार की विशेषता हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं? कठोर। इसलिए वह विशेषण होगा, और जो व्यवहार शब्द है वह क्या होगा? विशेष्य होगा, क्योंकि हम उस शब्द की विशेषता बता रहे हैं। अगला है अधीर मन, मन कैसा था? कैसा था? अधीर, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जो अधीर शब्द है वह क्या होगा? विशेषण। क्यों विशेषण होगा? क्योंकि मन की विशेषता बता रहे हैं, है ना। मन की विशेषता क्या है? मन कैसा था? अधीर था। इसलिए यहाँ पर अधीर विशेषण होगा, और जो मन शब्द है वह क्या होगा? विशेष्य होगा। आइए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, कुछ आपको यहाँ पर चित्र दिख रहे हैं, उसके नीचे कुछ वाक्य भी लिख रहे हैं, उसे पढ़िएगा बच्चों। ताजमहल आगरा में है, घोड़ा घास खा रहा है, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। अगले चित्र में देखिए, दादाजी को बुढ़ापा परेशान करता है। तो बच्चों आपने देखा कि उपर्युक्त वाक्यों में है ना, ताजमहल आगरा में है, घोड़ा घास खा रहा है, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, दादाजी को बुढ़ापा परेशान करता है। इसमें ताजमहल, आगरा, घोड़ा, घास, बच्चे, गेंद, दादाजी, बुढ़ापा, किसी ना किसी के क्या है? ये नाम है। तो यही जो नाम है वही क्या है बच्चों? क्या है? संज्ञा कहलाता है। तो हम संज्ञा किसे कहते हैं? जब हमको ये बताना हो तो हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं? चलिए बच्चों, मैं बताती हूँ आपको कि जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार से हम संज्ञा किसे कहते हैं शब्दों में बता सकते हैं, इस प्रकार से वाक्य से। ठीक है, लिख लेंगे आप सभी और पहचान पाएंगे आप बच्चों। आप एक और उदाहरण बताइएगा आप सभी, आपके बैग में क्या क्या चीजें हैं बताइए। अच्छा, कॉपी है, बुक है, पेंसिल है, कंपास बॉक्स है, टिफिन बॉक्स है। अच्छा, आप जिस कक्षा में बैठे हैं वहां पर क्या क्या चीजें हैं? अच्छा, कुर्सी है, टेबल है, बेंच है, ब्लैक बोर्ड है, खिड़की है, लाइट है। तो ये सभी क्या है बच्चों? क्या है? ये सभी किसी ना किसी वस्तु के नाम है। तो जो भी नाम है, ठीक है बच्चों, इस संसार में जो भी वस्तु है, जो भी चीजें हैं, और उसके जो भी नाम है, वो सब क्या है? संज्ञा है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अब हम जान लेते हैं कि संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? पांच होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। आइए बच्चों आगे चलते हैं। पहला हम ले रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, तो जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण जैसे महात्मा गांधी हो गया, गीता, अमिताभ बच्चन, मुंबई, ताजमहल, महेंद्र सिंह धोनी, रामायण, लाल किला, होली, पूर्व, गंगा, सोमवार, जून, ये सब क्या है? किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु या स्थान का नाम है, इसीलिए क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आइए आगे चलते हैं। अब हम जान लेते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जिस शब्द से हमें एक ही जाति के अनेक प्राणियों एवं अनेक वस्तुओं का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, लड़का, पक्षी, घोड़ा, खिलौना, पुस्तक, घर, गांव, देश, शहर, नदी, पहाड़, सैनिक, कार, पेड़ और टीवी आदि। इस तरह से जिस शब्द से हमें एक ही जाति के
एक से अधिक प्राणियों का, वस्तुओं का पता चलता है तो वहां पर क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। तो आइए बच्चों, इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ दिख रहा है आपको? यहाँ पर साबुन दिख रहा होगा आपको, रेक्सोना, पियर्स, लक्स, लाइफबॉय दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब हम इसे क्या कह रहे हैं, साबुन, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सबका नाम लिखा हुआ है, तो साबुन है तो क्या हुआ, साबुन मतलब साबुन, उसमें सभी साबुन आ गए, ठीक है बच्चों। तब वह कौन सा संज्ञा होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। अब जैसे ही हमने उसका अलग अलग नाम हो गया, उसका नाम हो गया, अब साबुन का क्या क्या नाम है, रेक्सोना, लाइफबॉय, लक्स, पियर्स, इसके अलावा और भी है, और क्या क्या नाम है बच्चों साबुन के बताइए, डेटॉल है, और बताते जाइए क्या क्या साबुन है जिसमें आप अपने घर में नहाते होंगे, याद कीजिए, नीमा सैंडल है, संतूर है, ठीक है। तो इस तरह से अब जो साबुन है उसका अलग अलग क्या कर दिया गया, नाम रख दिया गया, तो अब वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जब तक उसका कोई अलग से विशेष कोई नाम नहीं है, हम उसको साबुन बोल रहे हैं, तब तक वह क्या है, वह जातिवाचक संज्ञा है। और जैसे ही उसका अलग अलग नाम रख दिया गया, वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बच्चों यहाँ पर स्पष्ट है आपको इस उदाहरण के द्वारा, व्यक्तिवाचक व जातिवाचक संज्ञा के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं अगला उदाहरण। चलिए बताइए बच्चों, आप लोग बताइए अब इसे, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक बताइए। चॉकलेट लिखा हुआ है, तो चॉकलेट मतलब चॉकलेट, सभी चॉकलेट आ गए, जब तक हम उसका कोई नाम नहीं ले रहे हैं, चॉकलेट, तो क्या होगा, वह जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन जैसे ही उसका नाम रख दिया गया, क्या, फाइव स्टार, डेरी मिल, मंच, किटकैट, इसके अलावा और भी बहुत सारे चॉकलेट के नाम होते हैं, तब फिर वो कौन सा संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि अब उसका चॉकलेट का एक विशेष नाम रख दिया गया, ठीक है, इसलिए अब वह क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगर हम सिर्फ चॉकलेट कह रहे हैं तब क्या होगा, वह जातिवाचक संज्ञा होगा। चलिए बच्चों अब हम अंत में देखते हैं, गृह कार्य है आपके लिए, उसे आप नोट कर लीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बाबू के नाम से जाना जाता है, इसी प्रकार महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है। तो हमारे देश के बहुत सारे जो महापुरुष हैं, क्रांतिकारी हैं, जिन्हें हम उनके उपनाम से जानते हैं, तो आप सभी को क्या करना है, उसका वास्तविक नाम तथा उसके उपनाम की एक सूची तैयार करना है। अगला गृह कार्य है बच्चों आपके लिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विषय में आपको जानकारी एकत्र करना है और उसको ढूंढ कर आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। तो इसको आप कहाँ से ढूंढ कर लिखेंगे, या तो आप अपने स्कूल के पुस्तकालय से, या आपके घर में कोई पुस्तक होगी उससे ढूंढ सकते हैं, या आप इसे YouTube में या Google में भी आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानकारी वहाँ से एकत्र करके आपको क्या करना है, लिखना है। बच्चों तो इस पाठ में हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में सरलता और सहृदयता में हमने जाना और ये पढ़ा कि किस प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के बावजूद भी उनका जो व्यवहार है वो क्या था, सरल और विनम्र था। उनका हृदय जो है एकदम ही स्वच्छ और साफ था। उनके मन में किसी के भी प्रति, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, छोटे व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति, है ना, चाहे वो घर में काम करने वाला नौकर ही क्यों ना, उनके प्रति भी उसका व्यवहार जो है एक परिवार की तरह ही समान था। तो इस पाठ में उनके बारे में हमने पढ़कर जो है जाना, उसे हम अपने जीवन में उतारने का जरूर प्रयास करेंगे, क्योंकि इस पाठ को पढ़ने के बाद हमारा हृदय भी क्या हो गया, उनकी बातों को जानकर अभिभूत हो गया है। तो बच्चों हमें भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें भी अपने जीवन में इसी तरह से ही अच्छे कार्य करना चाहिए, और हम किसी कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना चले जाएं, कितने भी हम बड़े अमीर व्यक्ति क्यों ना बन जाएं, है ना, हम धन धान्य से संपन्न ही क्यों ना हो जाएं, हमें हमेशा सभी व्यक्ति के साथ, चाहे वो छोटा बड़ा हो, अमीर हो या गरीब, कैसा भी व्यक्ति हो, उसके साथ हमको हमेशा विनम्रता के साथ, सहृदयता के साथ ही व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे एक नई कहानी या कविता के साथ।